हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में जो फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो है इसको डिटेल में जानना है तो ये डिटेल में जो है इसका एक एडवर्टाइजमेंट है, एक शॉर्ट में भी जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। साथ ही साथ जो है आप इसको ऑनलाइन ही जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। अब इम्पॉर्टेंट लिंक्स क्या है कि जहाँ पर जो है आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो आर्टिकल को जब आप नीचे में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो है एक यहाँ पर लिंक दे दिया है www. ये जो है करंट ओपनिंग का लिंक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से जो है पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ये आप एडवर्टाइजमेंट जो है डिटेल में भी जान सकते हो, शॉर्ट में भी जान सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में। तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए जो है यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी की जो है वैकेंसी निकली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और फायर इंजीनियर की, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर की। तो जूनियर जो एग्जीक्यूटिव है फायर एंड सेफ्टी का, तो उनकी जो कैटेगरी है वो है E0 और E2 जो कैटेगरी है वो है इंजीनियर के लिए। तो E0 की जो वैकेंसी है वो है टोटल 41 और E2 की जो वैकेंसी है वो है 45 नंबर्स। अब इसको जो है आप इस आर्टिकल में भी जो है डिटेल में जान सकते हो, आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कितनी वैकेंसी है क्या है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी है तो उनको जो सैलरी है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक जो है देखने को मिलती है। वैसे ही अगर हम बात करें E2 कैटेगरी की तो यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जो है सैलरी आपको देखने को मिलती है। E0 के लिए जो है जो कैटेगरी है उसके लिए जो है कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन E2 कैटेगरी के लिए जो है आपको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट जो है ये डेट्स है जो आपने याद रखना है कि आपको जो है इस वेबसाइट पर जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है 4 सितंबर तक जो है भरनी है। वो कैसे भरनी है वह मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ। इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 4 अक्टूबर 2024। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट है ये आपने जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस एडवर्टाइजमेंट को जो है हम डिटेल में जानते हैं, इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट को भी जो है आप नीचे में लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए कि जो पोजीशन की अगर हम बात करते हो तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की जो वैकेंसी है उसकी टोटल 37 है। E0 जो है ये आपका जो है ग्रेड रहने वाला है। सैलरी जो मैंने आपको बताई 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया है वो है 25। ठीक है, और भी कई वैकेंसी है। अब 7 नंबर पर आप देख सकते हो इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी है जो है 4 और यहाँ पर 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी देखने को मिलती है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर रिक्वायर है और मैक्सिमम एज जो है वो 29 रहने वाली है। तो इस तरीके से जो है ये वैकेंसी निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर से जो है चालू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर है, वो आपने ध्यान देना है। अब जॉब डिटेल्स की अगर हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की तो 37 वैकेंसी है, तो इसके लिए जो है आपके पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा या फिर साइंस ग्रेजुएट जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 60% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए हर एक सेमेस्टर में। जो भी SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 50% अगर मार्क यहाँ पर दिया गया है, मिनिमम 50% उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है वो होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर रखना है। अब आपके पास जो है कोई भी सर्टिफिकेट है 6 महीने का फायर एंड सेफ्टी का या फिर फायर या फिर सेफ्टी का, तो ये इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप यहाँ पर जान सकते हो। अब हम बात करते हैं इंजीनियर की जो 7वें नंबर पर है, नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी 4 वैकेंसी है, इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 4 साल का फुल टाइम रेगुलर जो है इंजीनियरिंग का कोर्स आपने कंप्लीट करना चाहिए, जैसे कि BE या फिर BTEC, वो भी फायर इंजीनियरिंग या फिर फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में, और कम से कम 60% जो है आपके पास मार्क जो है वो होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट्स है उनके पास 50% भी अगर रहेंगे तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं।
मिनिमम 3 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस है रिक्वायर है, जो आपका सुपरवाइजरी रोल हो, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी हो, जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में हो, या फिर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसमें जो है आपका 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है तो आपको जो है इंसिडेंट प्रिवेंशन क्या होता है, इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फायर फाइटिंग ऑपरेशन सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, फायर टेंडर को कैसे हैंडल करते हैं, डीसीबी टेंडर, इक्विपमेंट टेंडर, अदर फायर फाइटिंग जो भी इक्विपमेंट्स है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड जॉब जो है वो भी आपने हैंडल करना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, सेफ्टी इंस्पेक्शन, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, शटडाउन सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, ये सारी जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है। जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए सैलरी क्या रहेगी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है 30,000 से लेकर 1,20,000, E2 कैटेगरी के लिए जो है इंजीनियर के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक जो है आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका जो है 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है जब से आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, फिर उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस देख कर जो है फिर आपको कन्फर्मेशन दिया जाएगा एज पर कंपनी पॉलिसी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो है कुछ स्टेजेस रहेंगे। सबसे पहले जो है आपको CBT टेस्ट जो है वो पास करनी होगी, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट पास करनी होगी और पर्सनल इंटरव्यू पास करना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की। तो CBT जो टेस्ट है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी जो है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसको जो है CBT टेस्ट को 2 कैटेगरी में जो है यहाँ पर पार्ट किया है, 2 पार्ट है इसके, एक है जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा है टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सवाल रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बारे में कुछ सवाल रहेंगे। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अनुसार जो है आपको सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट भी जो है पास करना है। स्किल टेस्ट पास करने के बाद फिर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू जो है वो होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार रहने वाली है। अब टेक्निकल जो CBT टेस्ट में जो है आपको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में 50% जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग दिया गया है, यानी कि 50% अगर आप स्कोर करते हो तो आप इस आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। इंजीनियर की अगर हम बात करें फायर एंड सेफ्टी की, तो इसके लिए भी जो है आपको CBT टेस्ट देनी होगी, साथ ही साथ जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो CBT जो टेस्ट है वो भी जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर रहने वाली है। यहाँ पर भी जो है 50% जो है आपको पार्सिंग करना होगा। फिर नीचे में जो है हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है कि कैटेगरी वाइज जो है कितनी कितनी जो है यहाँ पर वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं कि कहाँ पर जो है आप कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे में जानने वाले हैं। अब इसके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी भी दिया गया है, लेकिन जो कैंडिडेट SC ST या फिर PWD BD कैटेगरी में आते हैं तो उनको जो है कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पर 1,180 रुपये जो है वो देने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है यहाँ पर रीड कर सकते हो, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो ये हमने डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जाना है, ये शॉर्ट में है, तो इसको आप जो है डाउनलोड करके डिटेल में जान सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस पोजीशंस को जो है आप कैसे अप्लाई कर सकोगे उसके बारे में। तो ये जो लिंक दे दिया है यहाँ पर दिया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ पोजिशन 1 जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी इसके ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आइए जानते हैं सबसे पहले हम जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो है पेज आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर नेम क्या है वो आपको डालना है, जैसे कि नागपुर हो, रांची, सूरत, जो भी रहेगा आपका वो आपको सेंटर नेम डालना है। आपका फुल नेम यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम, फादर या फिर वाइफ का नाम, फिर आपका मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका जो है कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, होम टाउन, पैन नंबर, आधार कार्ड, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
ठीक है, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने जो है डिप्लोमा पास आउट है तो डिप्लोमा आपको सिलेक्ट करना है, या फिर ग्रेजुएट है तो उस अनुसार जो है आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है ट्वेल्थ और यहाँ पर दसवीं, तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पर परसेंटेज क्या रहेंगे वो आपको जो मिले हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आपका जो है एक अच्छे से जो है आपको रिज्यूम बनाना है और वो रिज्यूम जो है आपको यहाँ पर अटैच करना है। साथ ही साथ जो है आपकी अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो, वो भी जो है आपको यहाँ पर अटैच करना है। ये सब अटैच करने के बाद जो है आपको डिक्लेरेशंस पे यहाँ पर टिक करके कंफर्म कर देना है, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली जो है ऑनलाइन इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकोगे। ठीक उसी प्रकार जो है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया इंजीनियर के लिए भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सभी का जो लिंक है आपको इस आर्टिकल में जो है मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसको जो है डिटेल में भी जो है जान सकते हो। साथ ही साथ जो है जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट बताया है कैसे अप्लाई करना है वो भी जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकोगे। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।